सिद्धार्थ से नफरत कैसे कर सकती हूँ मैं चाचू? उसकी तो कोई गलती भी नहीं। सिद्धार्थ वो इंसान है जिसने जिसने मुझे जीना सिखाया, मोहब्बत के सही मायने सिखाए। उस मोहब्बत से कैसे नफरत कर सकती हूँ मैं चाचू? दीवानों की तरह प्यार किया है सिद्धार्थ ने मुझसे, और अगर आज भी उसे गलती से पता लग गया ना कि रोशनी जिंदा है, चाचू अपनी जी जान लगा देगा वो रोशनी को ढूंढने में। मर जाएगा लेकिन लेकिन रोशनी को ढूंढ के रहेगा। अपने दिल में जिंदा रखा होगा उसने रोशनी को। लेकिन उस मोहब्बत से बहुत डर लगता है मुझे चाचू। वो मोहब्बत सबकी तबाही बन गई। हमारे आसपास के लोग तबाह हो गए चाचू। हमारी मोहब्बत ने सब खत्म कर दिया। हमारी मोहब्बत ने मेरा वजूद मिटा दिया चाचू। मेरी अपनी बहू मर गई। हमारा प्यार मेरी मॉम को खा गया। ऐसा नहीं है, वो सिद्धार्थ को पसंद करने नहीं लगी थी, लेकिन जब तक वो उसे पसंद कर पाती, हमारी हमारी जिंदगियों में ऐसे ऐसे लोग आ गए, कभी राजवीर तो कभी यार, कभी कोई और, सब तबाह कर दिया। यश ने तो हमारे पूरे घर को उजाड़ दिया चाचू। ऐसी मोहब्बत को मैं जिंदा कैसे रहने दूं चाचू? अपनी मौत की लाश के ऊपर मैं अपनी मोहब्बत को जिंदा नहीं कर सकती। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती चाचू। और मैं ये भी जानती हूं, अगर हम फिर से एक साथ हुए ना, फिर से वही सब मुसीबतें होगी, फिर से वही तबाही होगी। हमारे आसपास के लोग बिखर जाएंगे, कोई खुश नहीं रह पाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा चाचू। ऐसे प्यार को मैं कैसे जिंदा रख सकती? इससे अच्छा तो यह अकेलापन जो मैंने अपने आप को दिया। ये किसी की जान तो नहीं ले रहा ना, सब खुश है, सब नॉर्मल, मैं जी लूंगी इसके साथ चाचू। और फिर जरूरी तो नहीं है ना कि हर लव स्टोरी को उसकी मंजिल मिले, हर लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो। नहीं, कई बार मंजिल तक ना पहुंचना ही मंजिल होती। सिद्धार्थ और मेरी लव स्टोरी की भी कोई मंजिल नहीं। ये नफरत नहीं है चाचू, लेकिन ये मोहब्बत भी वापस जिंदा नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। भगवान प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ लिसन टू मी, यस जोकर है सिद्धार्थ, तुम यहां कैसे आए सिद्धार्थ? मेरी बात सुनो रोशनी, यस जोकर, लिसन टू मी डैम इट, यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है, हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, ये सब पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। ऐ सरोजनी बिटिया, ऐ थोड़ा संयम से काम लेना, कहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से
हरी जागीर ना से। ये आमिर कोर्ट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। हमारी हुकूमत आमिर कोर्ट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारी मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, जो मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?